नमस्कार, मैं जनसंघ पार्टी से जनरल सेक्रेटरी रमनी राव बात कर रही हूँ। तो जो ये दो हादसे हुए हैं हमारे हैदराबाद शहर में, तो ये इतने शर्मनाक है कि हम अभी बता भी नहीं सकते कि हम तेलंगाना स्टेट से हैं। हम इतना टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इतना एडवांसमेंट की बात करते हैं, और हमारे यहाँ इतनी सारी महिलाएं रोज़ आईटी सेक्टर में काम करने जाती हैं, और उसके बावजूद ऐसे घटनाएं घटती हैं जिससे कि सही में भी फिर से हमें लगता है कि हम कौन से युग में जी रहे हैं। क्या ये सब रोका नहीं जा सकता है? क्या कोई भी माँ, बेटी, बहन, कोई भी लेडीज़ का मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है? हम सोचते हैं कहीं जाएंगे बाहर तो बाद में कुछ भी घटना घट सकती है। तो ये हमें सबसे पहले तो किसी को ब्लेम करना नहीं है कि शी टीम्स क्या कर रहे हैं या सरकार क्या कर रही है। सबसे पहले हम ये जो पनिशमेंट का लेवल है उसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ा के, किसी को भी, किसी आदमी ने अगर ऐसा किया है या करने की भी सोचेगा तो इसको बहुत ही सीवियर पनिशमेंट हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सबसे पहले बात तो वही है, वो पनिशमेंट से ही डर पैदा होता है, उसके बाद आप ये प्रिकॉशंस लो, वो लो, वो सब तो होता रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो भी मेरा ओपिनियन है वो तो यही है कि सबसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो भी लॉ है या नया लॉज बनाएंगे उसके बाद ही ये सब होगा। और जो शी टीम्स वो अपना काम कर ही रही हैं तो उसे भी हमें फॉलो करना चाहिए, और शी टीम्स का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो और शायद और रूट्स में जा नहीं रहा है मेरे ख्याल से, तो उन्हें और थोड़े नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करने की भी उन्हें ज़रूरत है, ताकि जो कॉमन लड़की है, जो एक कॉमन एम्प्लॉई है, जो घर से निकल के घर आने तक उसका क्या सिक्योरिटी है वो हमें इंश्योर करता है। तो ये समस्या सिर्फ हैदराबाद की भी नहीं है, ये समस्या पूरे भारत की है, और जब तक ये आदमी ऐसे हैवान बन के फिरते रहेंगे तो इनके माइंडसेट में या इनके पनिशमेंट में ही इसमें सुधार ला सकता है। हम अन्य देशों में देखते हैं कि उनका लॉ का सिस्टम कितना स्ट्रिक्ट है, जैसे कि भूटान है, सऊदी में तो कोई आदमी किसी औरत का, इवन पर्दानशी औरतें रहती हैं वहाँ अगर किसी ने कम से कम छेड़ दिया तो भी मौत की सज़ा होती है, पब्लिक शूटिंग होता है, हमने कितने वीडियोस देखे। तो काश हमारे भी देश में, हमारे राष्ट्र में ऐसा कुछ अगर इंट्रोड्यूस होता है तो देखिए फिर क्राइम रेट कितना कम होता है। तो जब तक हम अपने आदमियों को ये लंबे रस्सी देंगे वो तो जाके खुल के ही विल बी ग्रेजिंग इन ऑल द ग्राउंड्स। तो हमें ये पनिशमेंट का सिस्टम, ये लॉ सिस्टम बदलना है अर्जेंटली, नहीं तो और कुछ भी ये इम्प्रूव नहीं होता है। ये महिलाओं की समस्याएं जो हैं ये ऐसी ही रहेंगी, तो हमें ये पूरा सिस्टम को बदलना है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। जय हिंद।